7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने वो देखा, और खूनी अक्टूबर इसे कहेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन नवंबर में भी वो खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो खतरा जिसका डर पूरी दुनिया को सता रहा है। इसराइल दावा कर रहा है कि उसने हमास की 150 सुरंगें हैं, उससे भी ज्यादा सुरंगें जिसको उसने टारगेट बनाया, और उसके कई बंकर भी बम से उड़ा दिए गए हैं। लेकिन तबाही का बड़ा खतरा तो गाजा में नजर आने वाला है। गाजा में नजर क्यों आने वाला है? क्योंकि इसराइल की बमबारी से मरने वालों की तादाद यहां 9000 के पार हो चली है। और अब रूस ने भी कह दिया है कि इसराइल जिस तरह से गाजा पर हमले कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। है इसराइल का F-16 फाइटर जेट, रात भर बमबारी करने के लिए तैयार है। इसमें लगे हैं 4 बहुत ही खतरनाक बम। ये हैं जेडा, इस बम से इसराइल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है। यही इस वक्त गाजा का सबसे बड़ा खलनायक बम बन चुका है। हर एक बम का वजन 950 किलो से ज्यादा है, यानी हर विमान पर करीब 4500 किलो बारूद लोड किया गया है। जब गाजा में ये बम रात में फटता है तो ऐसा धमाका होता है। इसराइल को अमेरिका से मिले इस बम ने बहुत तबाही मचाई है। गाजा में पूरा महीना लाल अक्टूबर बन चुका है। लाल अक्टूबर यानी हर तरफ खून ही खून। इस बमबारी की शुरुआत 7 अक्टूबर के बाद से हुई, क्योंकि पहले हमास ने इसराइल में 1400 लोगों को मारा, और अब इसराइल ले रहा है बहुत ही खौफनाक बदला। अक्टूबर में ही पश्चिम एशिया का यह हिस्सा 11000 मौतों का गवाह बन चुका है। 11000 मौत बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। पश्चिम एशिया का यह हिस्सा बहुत दहला रहा है। दुनिया तक जब यहां की तस्वीरें पहुंच रही हैं, तो सवाल हो रहे हैं कि आखिर इसराइल ये बमबारी क्यों बंद नहीं करता। तो इसराइल का जवाब है कि हमास के खत्म होने तक गाजा पर बमबारी जारी रहेगी। गाजा पर हो रही इसराइल की दिन रात बमबारी और धमाके देखकर लगता है कि अब खूनी नवंबर की तैयारी है। क्या ये हमले, क्या ये युद्ध नवंबर में भी जारी रहेगा? क्या नवंबर अब अक्टूबर से भी बहुत ज्यादा खूनी होने जा रहा है? क्या अपने 1400 लोगों की मौत के बदले में इसराइल का बम गाजा में 14000 लोगों की जान लेगा? इसराइल के लड़ाकू विमान और रोजाना इनकी उड़ान इशारा तो यही कर रही है। ये सुरमई रंग का विमान इसराइल का F-15 फाइटर जेट है, दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक। ये विमान इसराइल को अमेरिका से मिला है। ये पीले रंग का विमान इसराइल का F-16 फाइटर जेट है, और गाजा पर सबसे ज्यादा बम इसी लड़ाकू विमान ने बरसाए हैं। ये विमान रोजाना बॉम्बिंग मिशन के लिए तैयार किए जाते हैं, और फिर रात भर बमबारी होती है। F-16 अमेरिका का सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइटर जेट है। ये 2200 किलोमीटर तक की रफ्तार से उड़ सकता है। ये फाइटर जेट 900 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है। इस विमान में बहुत ही आधुनिक रेडार और सेंसर लगे हुए हैं। F-16 मल्टी रोल फाइटर है, यानी ये विमान पर भी अटैक कर सकता है और दुश्मन के जमीनी टारगेट को भी तबाह कर सकता है। ये ऐसा सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है जो बहुत ही भरोसेमंद माना जाता है, और ये 50,000 की फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। अब इसराइल इस विमान से दिन रात बमबारी कर रहा है।
7 अक्टूबर के बाद से गाजा में कोई दिन और रात ऐसी नहीं गुजरती जब इसराइल ने इस विमान से बमबारी ना की हो। इसमें लगे हैं 4 बहुत ही खतरनाक बम। ये हैं JDAM, यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। अमेरिका से इसराइल को मिला ये बम बहुत ही खतरनाक तबाही मचाता है। जमीन पर कुछ बाकी नहीं बचता। इसी बम से गाजा की कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चंद सेकंड में पूरी तरह से गिरा दी गई। इस बम से इसराइल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है। यही इस वक्त गाजा का सबसे बड़ा खलनायक बना हुआ है। JDAM को लेकर डर इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अल अहली जैसा हाल अब गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा का भी हो सकता है। इसराइल की सेना ने ट्वीट करके दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का बहुत बड़ा अड्डा है। इसराइल की सेना ने एक एनिमेशन ट्वीट किया है। इसमें अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंग दिखाई गई है। कंप्यूटर ग्राफिक से बनाया गया ये वीडियो ये साबित करने के लिए है कि ये अस्पताल हमास का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। सत्रह अक्टूबर को इसराइल पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा था जब गाजा के अल अहली अस्पताल पर एक बम फटा। बताया गया कि यह JDAM ही था जिसने अस्पताल के कैंपस में सैकड़ों जान ली थी। ऐसा धमाका, ऐसे शोले कि सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा ब्लास्ट जो अभी तक गाजा के अंदर किसी ने नहीं देखा था। गाजा पर इसराइल के हजारों बम गिरे लेकिन ऐसा ब्लास्ट पहली बार हुआ। जब ये बम गिरा तो सैकड़ों लोग फौरन मारे गए। अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके को लेकर इसराइल ने बहुत दलील दी कि ये हमास का रॉकेट था जो मिस फायर हुआ। यही वजह है कि JDAM जैसे बम फिर से डर पैदा कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो बन ही चुके हैं। गाजा में लाल अक्टूबर के बाद क्या नवंबर में भी खून की नदियां बहने लगेंगी? गाजा और इसराइल इस वक्त बहुत बड़ी हिंसा के दौर से गुजर रहे हैं। गाजा पर इसराइल हजारों टन बम गिरा रहा है तो हमास की तरफ से इसराइल में लंबी रेंज के रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया का यह हिस्सा इस वक्त बहुत बड़े युद्ध के दरवाजे खोल चुका है जिसको रोकने की कोशिश जारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया ताकि इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो जाए, जंग खत्म हो जाए। दुनिया के 120 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया तो 14 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया, जबकि भारत इस वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। एक बात साफ है कि दुनिया नहीं चाहती कि गाजा और इसराइल से अब और बुरी खबरें आए। ना रॉकेट चले, ना टनों टन बम गिरे, अब खून ना बहे, पश्चिम एशिया में शांति हो, हमले बंद हो, इसके लिए बहुत बड़ी अपील पोप फ्रांसिस की तरफ से भी आई है। Converti chi alimenta e fomenta conflitti, asciuga le lacrime dei bambini, quest'ora piangono tanto. Assisti chi è solo e anziano, sostieni i feriti, gli ammalati, proteggi chi ha dovuto lasciare la propria terra e gli affetti più cari, consola gli sfiduciati, ridesta speranza. गाजा में रात में हमले कैसे हो रहे हैं इसकी तस्वीरें भी आने लगी हैं। गाजा में इस वक्त ना बिजली है, पानी की किल्लत है, ना फोन है, ना इंटरनेट है। इस वक्त गाजा का संपर्क पूरी तरह दुनिया से कट चुका है। रात भर इसराइल की बमबारी होती है और दिन भर लोग मलबे में जिंदा बचे लोगों को तलाश करते हैं। गाजा को लेकर तनाव वेस्ट बैंक में भी फैल गया है। जब से गाजा का संपर्क दुनिया से कटा है तब से वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों में इसराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। गाजा में खुल्लम खुल्ला ग्राउंड ऑपरेशन चलाने में इसराइल अब भी बच रहा है। उसकी बड़ी वजह है कि इसराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच हमास भी खामोश है। हिजबुल्ला भी खास एक्टिव नहीं हो रहा है। इन दोनों की खामोशी इसराइल को परेशान कर रही है और वो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर नहीं आ रहा।
गाजा के आसपास इजराइल के टैंक लगातार घूम रहे हैं, तो लेबनन बॉर्डर पर भी इजराइल की सेना चौकस हो गई है, क्योंकि गाजा में घुसने के बाद हिजबुल्ला और ईरान से पहले ही बड़े हमले की धमकी मिली हुई है। I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fight.